I have taken a loan from two app, Credit B and Pay Due to insufficient money, I am unable to pay. They are harassing me over cause that they will issue legal notice. Credit B total amount is eighteen thousand. First EMI was three thousand eight hundred, which was on fifth of this month. Pay is of three thousand five hundred. Repayment amount full. Date was thirteenth November. So many people getting into the trap of this instant loan app, and within a week they have to pay the EMI or they have to pay the complete amount. इस ऐप से सर लोन धोखे से अप्रूव हो गया जिसमें 1800 आए 3000 मांग रहे हैं सात दिनों में तो आज उसका कॉल मैसेज आया कि बोला कि गलती से हुआ था तो आप कैंसिल लोन कैंसिल करने के लिए तो बोला कि काम करो 1200 का पेमेंट कर दो बाकी हम यहाँ से माफ़ कर देंगे मैंने वो कर दिया फिर छः दिन में आप कह रहे हैं दोबारा तीन हज़ार रुपये भरो तो देखिए आपको इन लोन ऐप्स की जो रिकवरी एजेंट है इनकी बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है क्योंकि इनका मकसद होता है किसी भी तरीके से आपसे पैसे वसूल करवा लेना और अपना कमीशन बन जाएगा लेकिन आपका लोन क्लोज नहीं होता है आप पे करते जाओगे हर हफ्ते हर दिन आपको कोई नया नया रिकवरी एजेंट आपसे पैसे की डिमांड करते जाएगा और आप जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो कहीं अपडेट भी नहीं किया जाएगा यानी एक तरीके का आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा अब सेवन डेज में तो यहाँ तक है कि पेमेंट करने के बावजूद भी आपको फिर दोबारा से ऑटो क्रेडिट फिर दोबारा से ब्लैक मेलिंग यानी ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना आपके अकाउंट के थ्रू और फिर आपको ब्लैक मेल करना लोन देना तो केवल एक दिखावा है और आपको फंसाने का एक तरीका है मेनली जो इनका बिजनेस है वो मोबाइल डाटा हैक करना और आपके डाटा का मिस करना और आपको ट्रैप करना आपके साथ एक्सटोशन करना आपको फेक मैसेज भेजना कि आपका इतना इतना लोन अप्रूव हो गया है उस पर एक लिंक दिया रहेगा जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे ऐप इंस्टॉल होगा डाटा हैक होगा और ब्लैक मेलिंग चालू या फिर आपको एक मैसेज आएगा कि आपका इतना इतना लोन अमाउंट ड्यू है आप इस लिंक पे क्लिक करके चेक कर लें लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक ऐप फिर दोबारा इंस्टॉल होगा डाटा को फिर से दोबारा हैक करेगा आप किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक ना करें किसी भी अननोन मैसेज को आप रिप्लाई ना करें और अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रखें अगर आप भी इन फेक लोन ऐप से परेशान हैं आपको ये फेक लीगल नोटिस भेज रहे हैं कॉन्टैक्ट में फ़ोन मैसेज कर रहे हैं आपको कॉल अलग अलग नंबर से करके परेशान कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें नहीं करें आम आदमी सोचता है चलो पैसे दे के बाहर निकले बट पैसे देने के बावजूद भी ब्लैक मेलिंग तो अब इस सचुएशन में आपको क्या करना है कंप्लीट सॉल्यूशन आपको हमारे लॉयर के द्वारा बताया जाता है जिससे कि आपको कहीं से भी ना इनका पेमेंट का टेंशन रहेगा ना इनका ब्लैकमेलिंग कॉल का ना ही कोई लीगल इशू का और ना ही कहीं से कॉन्टैक्ट में बदनामी का इनके अगेंस्ट कहाँ कंप्लेन करना है कैसे डील करना है आपको अपने बचाव में क्या प्रिवेंटिव स्टेप लेना है जिससे कहीं से भी ना कॉन्टैक्ट में बदनामी का डर ना इनको पैसे देने का और ना ही कहीं से परेशान होने का कंप्लीट सॉल्यूशन आवर लॉयर इज़ गोइंग टू प्रोवाइड यू सो डैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट देयर रीपेमेंट और देयर ब्लैक मेलिंग कॉल और एनी लीगल इशू